Don't forget to click on bell icon to get all latest updates. भारतीय फिल्मों के सबसे पहले मेगा स्टार कहे जाने वाले दिलीप कुमार आज भले ही अपनी सेहत और प्रॉपर्टी विवाद के चलते परेशानियां झेल रहे हों, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब उनके नाम की पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तूती बोलती थी। अमिताभ बच्चन से लेकर शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स उन्हें अपना आदर्श मानते आए हैं। ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप की एक्टिंग से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड भी बहुत प्रभावित है। इनमें से एक थे लेजेंडरी डायरेक्टर डेविड लीन। डेविड लीन ने अपनी चौथी शादी हैदराबाद की लीला वेलिंगरकर से की थी। डेविड को भारतीय फिल्मों का शौक था और लीला के चलते डेविड की हिंदी सिनेमा में काफी रुचि बढ़ गई थी। डेविड फिल्म द ब्रिज ऑन द रिवर कवाई का निर्देशन कर हॉलीवुड में स्थापित हो चुके थे। इस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड में 7 ऑस्कर जीते थे। वो अपनी नई फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया के लिए कास्टिंग कर रहे थे। डेविड इस फिल्म में प्रिंस शेरिफ अली के रोल के लिए किसी यूरोपियन एक्टर को नहीं लेना चाहते थे, बल्कि उन्हें इस रोल के लिए एक दमदार एक्टर की तलाश थी। इसी फिल्म के लिए वो दिलीप कुमार के पास पहुंचे, क्योंकि भारतीय सिनेमा में रुचि के चलते वो दिलीप के नाम से वाकिफ थे। अपनी पिछली फिल्म के लिए 7 ऑस्कर जीत चुके डेविड लीन के साथ काम करने के लिए कोई भी एक्टर तैयार हो सकता था, लेकिन दिलीप कुमार ने प्रिंस अली के रोल को निभाने से इनकार कर दिया। दिलीप को हॉलीवुड का खास आकर्षण नहीं था। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इस फिल्म के बारे में खास नहीं लिखा है, लेकिन माना जाता है कि उन्होंने डेविड की इस करिश्माई फिल्म करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि वो इस फिल्म में बाहरी दिखेंगे। दिलीप वाला रोल इसके बाद उमर शरीफ ने निभाया था और इस फिल्म के साथ ही उमर ने हॉलीवुड में स्टारडम हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड अपडेटेड बॉलीवुड न्यूज प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री यूट्यूब चैनल।